कुकिंग विस्तार में आप सबको वेलकम। आज जो हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो है शवरमा की रेसिपी। और बाहर तो बहुत सारे मिलते हैं लेकिन आप लोग घर में ट्राई करें, घर के बहुत ज़्यादा मज़ेदार होते हैं और ये बिल्कुल घर बाज़ार जैसे ही टेस्ट का होगा शवरमा। जो हम स्टेप के लिए शवरमा के लिए जो हम चिकन मैरिनेट करेंगे, चिकन मैरिनेट के लिए मैंने ली है ये आधा किलो बोनलेस चिकन है। इस तरह स्ट्रिप्स में काट लिए हैं हमने, ये देखें ज़्यादा छोटे भी नहीं हैं और ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं, स्ट्रिप्स हैं इस तरह से लंबे लंबे, इस तरह से काट लिए हैं हम। वो ऐड कर, सबसे पहले हम इसमें डालेंगे हाफ कप दही है वो ऐड कर देंगे इसमें। देखें बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं है, गाढ़ा गाढ़ा दही है बिल्कुल, वो ऐड कर देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर लेंगे, 1-1 टेबल स्पून है। अगर आपके पास पाउडर हो लहसुन अदरक तो आप वो भी डाल सकते हैं, मेरे पास पाउडर वाला नहीं था, मेरे पास जहाँ से था पिसा हुआ तो मैंने वो ऐड कर लिया इसमें। 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर ये ऐड कर देंगे इसमें। 1/2 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स कुटी हुई मिर्च वो ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ये ऐड कर देंगे इसमें। 1 टेबल स्पून सिरका ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड कर देंगे। और ये मेरे पास चिकन टिक्का मसाला पाउडर है, हम ये इसमें ऐड कर देंगे। ये मैंने 1 टेबल स्पून भर के लिया है, कोई सा भी ले सकते हैं, हमारे पास होम मेड था तो मैंने ये इसमें डाल दिया। इसकी रेसिपी आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द मिल जाएगी। नमक ऐड कर देंगे हम इसमें, 1 टी स्पून चिकन पाउडर ये इसमें ऐड कर देंगे। बस हम इसको अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे कितने देर के लिए, इसको मैरिनेट करके आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं, एक दिन पहले भी मैरिनेट करके रख सकते हैं। और अगर आपके पास हमारी जैसे आपके पास टाइम ना हो तो आप हमारी तरह 2 घंटे पहले भी मैरिनेट करके रख सकते हैं अगर आपके पास जल्दी हो, वरना तो आप इसको पहले से मैरिनेट करके रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, चिकन बहुत जूसी और बहुत ज़्यादा मज़े की बनेगी। हमारे पास टाइम नहीं है, मैं जल्दी से बना रही हूँ, हमारे यहाँ गेस्ट आने वाले हैं तो इसलिए मैंने कहा पहले से अभी मसाला लगा के रख देती हूँ, 2 से 3 घंटे में मैरिनेट हो जाएगा। ये मैरिनेट हो गया है, अब हम इसमें 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल हो तो आप ऑलिव ऑयल डालें, हमारे पास वेजिटेबल ऑयल है तो आप ये डाल देंगे इसमें। और इसको हम मैरिनेट करके रख दूँगी फ्रिज में 2 से 3 घंटों के लिए। चिकन को अब हम इसको फ्राई करने के लिए रखेंगे, ऑयल डालेंगे, पहले इसको हाई फ्लेम पर पकाएंगे 10 मिनट के लिए, फिर उसके बाद हम लो ढक कर लो फ्लेम पे रख देंगे। हम रख दिए, देखिए इसमें ऑयल आना शुरू हो गया है, अब हम इसको कवर कर देंगे, कवर करके हम 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे, फिर उसके बाद हमको हाई फ्लेम, अभी तो लो फ्लेम पे हमको हमें इसे कवर करके रखना है, उसके बाद हम उसको हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे। जैसे शवरमा बाहर से मिलता है ना उसकी डार्क ब्राउन कलर की चिकन होती है, इस तरह का कलर चाहिए। 10 मिनट हमने पहले लो फ्लेम पर पकाया था ढक के, जब मैंने खोला तो उसमें बहुत सारा पानी था, मैंने पानी ड्राई किया ये सारा इसका फ्लेम तेज करके, और चिकन भी हमारी बहुत अच्छी लग गई है, ये देखें बहुत अच्छी लग गई है चिकन भी।
बस इसको मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी कि थोड़ी थोड़ी सी डार्क ब्राउन कलर की हो जाए, क्रिस्पी क्रिस्पी चिकन हो जाए। फ्राई हो गई है, अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी। सारी वेजिटेबल्स हमारी कट गई हैं। मैंने इसमें एक खीरा डाला है, एक शिमला मिर्च डाली है मैंने इसमें, एक प्याज डाली है, एक गाजर डाला है और आधी बंद गोभी डाली है। ऐसे काट लेने हाँ, जूलियन साइज में मैंने काट लिया है, टाइम की बहुत शॉर्टेज है तो मैंने बोला चलो उसको काट के ही दिखा देते हैं डायरेक्ट। ये तो सबने काटने आती है, सबको काटने आती है। अब हम इसमें सिरका ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून और 4 टेबल स्पून 2 टेबल स्पून हम इसमें सिरका ऐड करेंगे तथा 1 टेबल स्पून के जितना हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। आपके पास ऑलिव ऑयल हो ऑलिव ऑयल तो बेस्ट है हाँ सब्जियों में। वैसे हम लोग सीजन ऑयल यूज़ करते हैं पर ये सीजन कनोला ऑयल मैंने इसमें ऐड किया है। इस तरह से हम इसको सौते कर लेंगे, ऊपर नीचे कर लेंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए, पूरे नीचे तक हमारा विनीगर और ऑयल चला जाए। ये हमारी सब्जियाँ भी रेडी हैं और चिकन भी रेडी है, सॉसेस भी रेडी हैं, बस अब रह गया है इस असेंबलिंग का टाइम। ये हमने जो पिटा ब्रेड रेडी की थी पिछली वीडियो में जो दिखाई थी हमने, यानी हमने कल जो बनाई थी पिटा ब्रेड, वो हमने सेक लिए, गरम कर लिए। अब असेंबलिंग इसी पे कर, सबसे पहले हम पिटा ब्रेड रखेंगे असेंबलिंग के लिए और उसके ऊपर वाइट सॉस लगाएंगे जो हमने बनाया था। फिर उसके ऊपर हम अपनी चिकन जो हमने फ्राई की थी मैरिनेट करके, वो इसके ऊपर बीच में रखेंगे सेंटर में। देन इसके ऊपर चटनी डालेंगे ग्रीन वाली, अच्छे से डाल देंगे चटनी ग्रीन वाली। फिर उसके बाद आप इसके ऊपर सब्जियां डालेंगे जो हमने सब सब्जियां रेडी की हैं वेजिटेबल्स, वो ऐड करेंगे। फिर सब्जियां डालने के बाद हम इसमें रेड सॉस ऐड करेंगे जो हमने बना कर रखा था कल। ये रेड सॉस हमने इसके ऊपर ऐड कर दिया है, अब इसे फोल्ड कर देंगे। हमने इसे बटर पेपर के ऊपर रखा है, अब इसे फोल्ड करके एक कोना मोड़ कर इस तरीके से फोल्ड करेंगे जैसे बाहर मिलता है शोरमा। और सारे शोरमे हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार शॉर्मा का फाइनल लुक, बिल्कुल बाहर जैसा बने। आप लोग भी ट्राई करिए और कमेंट करके सही तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पे हमें ज़रूर फॉलो करें और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। और अपनी दुआ में हम सबको याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।